पहले आपका जो भी रीजन है वजन कम करने का, उसको आपको क्लियरली दिमाग में उतारना पड़ेगा। क्यों? ताकि जब आप वजन कम करने जाएं और आपका मन ना करे, तो जो रीजन है आपका, जो आपने यहाँ पे उतारा है, वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं, तुझे वजन कम करना है। मन की मत सुन, जो तूने अपना एक गोल सेट किया है उसे तुझे हासिल करना ही करना है। अगर आप कुछ इस तरीके से थॉट बना के चलेंगे ना, तो देखिए कैसे चुटकियों में आप अपना वजन कम कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने खुद ने अपनी टमी को, अपने लव हैंडल को कैसे सही शेप में लेके आई। जो एक्सरसाइज बताऊंगी ये आपको रेगुलरली करनी है। मैंने भी बिल्कुल रेगुलर किया था, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। हो सकता है कि 7 दिन 1 वीक तक आपको रिजल्ट ना मिले, 1 वीक के बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो, लेकिन आपको बीच में नहीं छोड़ना है ये सोच के कि मैं तो करती जा रही हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि फैट इतना इकट्ठा हो जाता है, उसको हीट होने में, उसको टारगेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सबर के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की एक्सरसाइज। अगर आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले जरूरी होता है वार्म अप। क्यों जरूरी होता है? जैसे हम वार्म अप करते हैं ना, तो हमारा ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, एकदम स्पीडली काम करता है। और वही ब्लड फ्लो आपका जो फैट जमा हुआ है ना, कहीं पे भी, पेट पे, हिप पे, कहीं पे भी, तो वो अच्छे से मेल्ट करने में आपकी हेल्प करता है। अगर कोई चीज़ तेजी के साथ जलती है, जैसे पानी, अगर हम तेजी के साथ स्टार्ट करते हैं नाली के अंदर, तो नाली के अंदर जितना भी कूड़ा करकट होता है उसको लेके चला जाता है ना, तो उसका बहाव इतना तेज हो जाता है आपके ब्लड का, जो आपका फैट होता है ना उसको सीधा जाके वो टारगेट करता है और वो फैट आपका पिघलना शुरू हो जाता है। अगर आप वार्म अप करने के बाद कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी इधर उधर चक्कर लगा सकते हैं, 10-15-20 जितने भी आप लगाना चाहें, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज करने से पहले, बस आपको इस तरीके से तेज तेज अपने पैरों को इस तरीके से करना है। ये हमारा हो जाएगा वार्म अप। तो वार्म अप मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ताकि हमारा जो वीडियो वो है लंबा ना हो। तो हम बात कर रहे हैं हमारे टमी को फ्लैट बनाने की। खास करके जो मदर्स होती है जिनका सी सेक्शन होता है, उनको हमेशा 6 महीने के बाद कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 महीने से पहले कर देंगे ना, जो आपको टांके लगे हुए हैं उनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो कम से कम 2 महीने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे किसी भी रीजन से आपका टमी बाहर निकला हुआ है, आप उसको इन एक्सरसाइज के थ्रू जो भी मैं बताऊंगी उनको फ्लैट बना सकते हैं, बिल्कुल स्पार्ट बना सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, तभी आपका फ्लैट टमी बनेगा। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप ग्रीन टी का भी सेवन कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागे वाली बात बन जाएगी, क्योंकि ग्रीन टी भी आपको स्पेशली आपका जो ये टमी वाला फैट होता है ना, इसको काटने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन अच्छे से जाती है और आपका ब्लड फ्लो बेहतर बनता है। ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक्सरसाइज। आपको आपके पैर इस तरीके से रखने हैं, आपको लेट जाना है, एक पैर आपको उठाना है और क्लैपिंग करनी है। जो ये वाला पोर्शन आपका सिर्फ इतना सा ही उठना चाहिए, ठीक है ना? जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आप पीछे से उठ के आते हैं तो आपका सारा जोर यहाँ पे आ जाता है, इस सेंटर बिंदु पे आ जाता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा और जो आपका ये वाला फैट है ना, ये टारगेट होगा ब्लड के थ्रू और आपका टमी एरिया बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा। दोबारा फिर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज एक सेट, एक बार में आप 20 करेंगे, 10 सेकंड का रिलैक्स लेंगे, फिर 20 टाइम करेंगे, फिर रिलैक्स लेंगे, फिर 20 टाइम करेंगे, फिर रिलैक्स लेंगे, 3 सेट, एक सेट में 20 टाइम। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे ना, तो आपको कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। इसी पोजीशन में लेटर है ना, आपको ये एक्सरसाइज आप बेड पे भी कर सकते हैं, नीचे भी लेट के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नीचे ही लेट के करनी है,
उसके लिए क्या करना है आपको, मैं बता चुकी हूँ, मेरी जब टमी निकली थी तो यही एक्सरसाइज ने मेरी हेल्प की थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लेट जाना है, पैर इधर लेके आना है और ये वाला जो हिस्सा है ना आपका शोल्डर वाला, कोशिश करनी है कि आप इसको टच करें, आपकी जो चिन है वो इसको टच होने चाहिए धीरे धीरे, और सांस आप रोक के रहेंगे, सांस आपको नहीं लेना है, एक दम से आपको सांस भर लेना है, जैसे रोक के रहेंगे, सांस नहीं लेना है आपको, और जब नीचे आएंगे धीरे 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 आपको सांस छोड़ देना है। जब आप होल्ड करके रखेंगे ना ऐसे, तो सांस आपको नहीं लेना है, अंदर ही आपको रोक के रखना है, और जैसे ही आप पैरों को छोड़ेंगे नीचे आएंगे तो आपको धीरे 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 करके आपको आपकी सांस भी छोड़ देनी है। दोबारा फिर करेंगे, देख लेना, जितनी बार भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे एकदम से आपको ये यहाँ पे ना यहाँ पे बिल्कुल हल्का महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपका फैट वाकई में मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको डेफिनेटली करनी है। अगर आप ये एक्सरसाइज दिन में दो बार करेंगे ना अकेली एक्सरसाइज, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना जल्दी आपका जो ये टमी है ना बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी। थर्ड एक्सरसाइज, हमेशा बोलती हूँ कि साइकिलिंग कीजिए। बस लेट के ऐसे ही तो करना है आपको, इस तरीके से आपको साइकिलिंग करनी है फास्ट तरीके से, और आपका जो ये वाला है ना ये पॉइंट आपका ये टारगेट होगा यहाँ ऐसे करने से, साइकिलिंग करने से, और बस टारगेट होगा तो समझ लीजिएगा कि आपका फैट पिघलना स्टार्ट हो गया है। जब भी आप अपना वजन कम करने की सोचते हैं, एक तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना है, शुगर कम खानी है, नमक कम खाना है, सिर्फ आपको आपकी सेहत के ऊपर ध्यान देना है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो मोटापा आपको छू भी नहीं पाएगा। दोबारा फिर से करेंगे साइकिलिंग, आप मेरी वीडियो चला के साथ ही साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की है और बहुत मजा आता है। आपको आलस आएगा स्टार्टिंग में, आलस क्या बोलेगा कि एक्सरसाइज मत कर, अपनी बॉडी को ऐसा ही पड़ा रहने दे, लेकिन आपको आलस की नहीं सुननी है, आपको जज्बा जगाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको टम्मी फ्लैट बनानी है, ठीक है। आप 4 दिन करेंगे फिर आप सोचेंगे यार कुछ हो तो नहीं रहा है, चलो छोड़ ही देते हैं, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, इसको मैं कितनी भी टाइम और कभी भी कर सकती हूँ, बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। तो रिलैक्स जरूर करना है बीच बीच में, 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स जरूर करना है बॉडी को, ठीक है। ओनली 3 एक्सरसाइज आपको ये कंप्लीट करनी है। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, टारगेट सेट करके चलना है, मुझे 1 महीने में इतना वजन कम करना है, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन मुझे अपनी टम्मी फ्लैट बनानी है। देखिए आप कैसे चुटकियों में कर पाएंगे। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।